हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं होमवर्क के सॉल्यूशंस वन बाय वन बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो दिस वन वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझिए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग एसेंट टू रिएक्शन, सारे एसेंट टू रिएक्शन है। सो इन विच रिएक्शन देर इज लार्ज इंक्रीज एंड लार्ज डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्टिवली विथ इंक्रीज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज की है, सबसे पहले हमें देखना है कि लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगी अगर हम पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो। हमें मालूम है पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है वाटर, सो H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। एंड पोलर सॉल्वेंट की खासियत ये होती है कि वो आयंस को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। ओके सो इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम आयंस इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, Na+, Ca, Ca2+, ये आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स कैन इजीली स्टेबलाइज चार्जेस। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल। ओके, ये हमारे जनरल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन रहता है, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर। तो हम जब जैसे ही पोलरिटी बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट साइड में अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन से प्रोडक्ट में आयन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे एक ही आयन है, यहाँ पे दो आयन है, यहाँ पे कोई आयन नहीं है, यहाँ पे एक ही आयन है। तो सबसे ज़्यादा आयन रिएक्शन सेकंड में है, इसलिए सेकंड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं। ओके सो फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल गया सेकेंड। नाउ उन्होंने और एक चीज़ कही है, एंड लार्ज डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसका डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जिसके प्रोडक्ट में आयंस नहीं होंगे उसका रेट है, रिएक्शन का रेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में अगर यहाँ पे आयंस नहीं है प्रोडक्ट में तो ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, सॉल्वेंट प्रोडक्ट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये रिवर्स रिएक्शन बनेगी और रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे कम आयंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे वन आयन है, इसका तो आंसर मिल गया हमें। यहाँ पे कोई आयन नहीं है, यहाँ पे एक आयन है, तो ऑब्वियसली थर्ड रिएक्शन में कोई भी आयंस नहीं है, इसलिए थर्ड रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, रीजन होगा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अल्किलाइड, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है C4H9Cl, वेर ट्रीटेड एट द सेम टेम्परेचर विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एंड 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH रिस्पेक्टिवली। तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा है लेकिन रिएक्टेंट सेम है। इन द टू एक्सपेरिमेंट T1/2, ओके हाफ लाइफ ऑफ द टू रिएक्शन वेयर द सेम, द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड इज, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा होगा हैलाइड का, ये उन्होंने पूछा है। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, हैलाइड का यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा या मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर कौन सा होगा। देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट डिग्री है, दिस वन इज सेकेंड डिग्री, राइट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर निकालें तो ये भी फर्स्ट डिग्री ही आने वाला है। ओके, और ये जो है ये थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर है। ओके सो ऑब्वियसली अगर हमें मालूम है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन परफॉर्म होती है, SN1 रिएक्शन इन द सेंस यहाँ पे टर्चरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे इजीली हमें पता चल जाता है कि अगर दोनों रिएक्शन का T1/2 सेम है, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन है, क्योंकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ है। ओके, मतलब ये 100% SN1 रिएक्शन होगी, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसका फर्स्ट स्टेज रहता है Cl या लिविंग ग्रुप बाहर जाना। ओके सो थर्ड डिग्री हमेशा SN1 रिएक्शन ही प्रेफर करती है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा डी। ओके, ये आंसर हमने निकाला T1/2 से, ये क्वेश्चन दो चैप्टर से लिंक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल पार्ट भी यूज करना है। 36.4 ग्राम ऑफ 1122 टेट्राक्लोरोप्रोपेन वॉज हीटेड विथ जिंक डस्ट, सबसे पहले जिंक डस्ट से रिएक्शन किए, एंड द प्रोडक्ट वॉज बबल थ्रू अमोनिकल HNO3, वॉट इज द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, चलो तो सबसे पहले रिएक्शन ड्रॉ करते हैं। 1122 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, 1, 2 एंड 3, 1, 1, सो यहाँ पे दो क्लोरीन
टू भी कहा है, सीएल सीएल ये हो गया 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। इसको रिएक्ट किया गया है जिंक डस्ट के साथ, जेड एन डस्ट, ओके एंड हीट है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल देंगे। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑब्वियसली क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो ये सारे क्लोरीन बाहर चले जाते हैं, ओके सो फाइनल प्रोडक्ट इज H3C देन कार्बन, और ये नेक्स्ट कार्बन इनके बीच में बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ओके ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, सिंक की वजह से ये होता है। नेक्स्ट वन, उसको क्या किया है, एंड द प्रोडक्ट वॉज बबल थ्रू अमोनिकल AgNO3। तो इस प्रोडक्ट को अब यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, इस प्रोडक्ट को, यह हमारी सेकेंड स्टेप होगी, H3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड के बाद ये हाइड्रोजन आता है ना, ये हाइड्रोजन इज अ वेरी एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ये आराम से H+ बन के बाहर जाता है, ओके एसिडिक हाइड्रोजन होता ही है एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन क्या किया है उन्होंने, रिएक्शन परफॉर्म की है अमोनिकल AgNO3। तो रिएक्टेंट तो AgNO3 है, लेकिन सिर्फ AgNO3 नहीं है, AgNO3 वो भी है अमोनिकल, अमोनिकल इन द सेंस NH4OH। अमोनिकल का मतलब होता है अमोनिया इन वाटर, तो अमोनिया वाटर में डालोगे तो इट बिकम्स NH4OH, ओके। तो अगर हम यहाँ पे सपोज ये रिएक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे चार्ज सेपरेशन लिख दूँ, AgP पॉजिटिव चार्ज आता है, NO3 पे नेगेटिव चार्ज, NH4 पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, एंड OH पे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे मैंने कहा ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि OH एंड H मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वाटर। तो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा H2O प्लस, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव एंड ये वाला पार्ट नेगेटिव, ठीक है NO3। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट शुड बी NH4NO3 प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट AG, यहाँ पे लग जाएगा दो कार्बन, ये थ्री कार्बन को, प्रोपाइन को, हाइड्रोजन तो ले गया ना OH, ये बचा है सिर्फ विथ नेगेटिव चार्ज, AG पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, तो इट बिकम्स H3C देन C ट्रिपल बॉन्ड C एंड AG, और हमें जो प्रेसिपिटेट मिलता है इज बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है AG का जो मॉलिक्यूल है इसकी वजह से हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। अब देखिए पहला जो हमारा इनिशियल मॉलिक्यूल था, ये तो हो गई रिएक्शन, इनिशियल मॉलिक्यूल इसका वेट कितना था, तो यहाँ पे 34.4 ग्राम इसका वेट है, तो हमें सबसे पहले इसका मोलर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं पहले से यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठा हूँ। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 182 ग्राम, ठीक है ये 182 ग्राम इसका मोलर मास है, तो इससे हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट के मोल्स बनेंगे, और जिसके प्रोडक्ट के मोल्स होंगे उतने ही ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट बनेगा। तो मोल्स में, ओके तो मोल्स में अगर फिर से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगेन इसका मोलर मास हमें मालूम होना चाहिए, तो इसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 147 ग्राम, ओके 147 ग्राम। नेक्स्ट, अब हमें इससे क्या पता चलता है, एक सिंपल सा अगर हम लॉजिक लगा दें, तो यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप 182 ग्राम अगर रिएक्टेंट ये यहाँ पे प्रेजेंट होता, 182 ग्राम रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट होता, तो प्रोडक्ट कितने ग्राम मिलता, विच इज इक्विवेलेंट टू कितने ग्राम प्रोडक्ट मिलता, तो 147 ग्राम प्रोडक्ट मिलता, ठीक है 147 ग्राम, राइट। तो उसी हिसाब से, लेकिन हमारे पास वेट कितना है, रिएक्टेंट कितना है, 36.4 ग्राम है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ऑब्वियसली इसको हम वाई कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड वाई की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 147 इंटू 36.4 डिवाइडेड बाय 182, सो इसका फाइनल आंसर आता है 29.4 ग्राम, ओके ऑप्शन बी। तो इतना सारा कैलकुलेशन हमें इससे पहले करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर फोर चलो देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है हमें, ओके सो ए कंपाउंड केमिकल फार्मूला उसका दिया है, स्ट्रक्चर हमें कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली निकालना है कैसे होगा या क्या होगा। सो यहाँ पे जो है एक्वियस एनर्जी के साथ एक प्रोडक्ट बनता है, देन माइल्ड रिडक्शन एंड सो ऑन। तो इसका देखो ए प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, C8H8। जैसे मैं सबसे पहले ये देखता हूँ C8H8, तो हाइड्रोजन बहुत कम है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन, साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ओके तो इजीली मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। अगर किसी को साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मालूम नहीं है तो क्रॉस चेक कर लो अपनी वेबसाइट्स पे या यूट्यूब चैनल पे है। साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मुझे यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट होना ही चाहिए, उसके सिवा इतने कम हाइड्रोजन मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं ट्राई करूँ थोड़ा सा कि कैसे ये बनेंगे, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखने का ट्राई करता हूँ। पॉसिबिलिटीज लिखेंगे सबसे पहले तो, ओके और यहाँ पे ए का ही स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन है, सोडियम तो है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है ही नहीं, ये भी नहीं होगा राइट। यहाँ पे वैसे भी नहीं है, यहाँ पे OH है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं आता। तो यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो इतना तो शायद यहाँ से थोड़ा सा आगे भी जाए। रिएक्शन मुझे आपको बतानी है, इसी को बेस पकड़ के अगर हम रिएक्शन भी लिखें या पूरे कंसेप्ट को समझे, तो दो क्लोरीन प्लस CH3 ये ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वियस एनएच के साथ क्या होता है, हमें मालूम है OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड का, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे और एक OH एंड देन CH3। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक सेंटर पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ये OH एंड ये H बाहर निकल जाएगा, सो लास्ट में बचेगा डबल बॉन्ड O देन CH3। ओके ये हो गया हमारा एक फाइनल कंपाउंड, विच इज नथिंग बट हमारा बी कंपाउंड। नेक्स्ट माइल्ड रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना है मतलब क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ही अब देखो एल्डिहाइड कीटोन आपका हुआ नहीं है, लेकिन जब भी हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो ये दूसरे चैप्टर से है, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको ये आने लगेगा, कोई बड़ी इशू नहीं है यहाँ पे। देन CH3 डबल बॉन्ड सिंगल डबल, हाँ बेंजीन हो गया, ये हो गया सी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट I2 एंड NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन और इसका डिटेल मैकेनिज्म तो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बता दूँ, C6H5 एज इट इज रहेगा, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड OONA प्लस यहाँ पे CH3, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 5। साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम इन ड्राइथर फॉर्म्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ए, ठीक। तो ग्रिग्नर रिएजेंट है सबसे पहले, एकदम सिंपल। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल, ओके टू गिव एन अल्कोहल। चलो वन बाय वन देखते हैं ये पूरे रिएक्शन को। साइक्लोब्यूटिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे मीथेन, थोड़ा सा पेन से लिखता हूँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और जो कि ये साइक्लोब्यूटिल कहा गया है, तो यहाँ पे मैंने इसका साइकिल बना दी और एक जगह पे ब्रोमीन कनेक्ट कर दिया मैंने। तो ये होगा हमारा साइक्लोब्यूटिल ब्रोमाइड। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे भी H2। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई इथर, Mg इन ड्राई इथर, ग्रिग्नर रिएजेंट, ठीक है। सो ग्रिग्नर रिएजेंट क्या करता है, Mg क्या करता है, बीच में जाके बैठता है, हम इसको कहते हैं कबाब में हड्डी बन जाता है ये। सो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन को मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे Mg था तो इसके बीच में आएगा, सॉरी ब्रोमीन था, इसके बीच में आएगा Mg, बाद में Br। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड ए। द ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल,
तो ये हो गया हमारा ए इथेनल के साथ। अब इथेनल का मतलब क्या होता है, आईयूपीएसी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, अल्डिहाइड है ठीक है, तो दो कार्बन का अल्डिहाइड है यहाँ पे एच थ्री सी देन सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच। अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें थोड़ा सा, हमें चार्जेस का यहाँ पे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मैग्नीशियम जो कि मेटल है ऑब्वियसली यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज होगा ओके, ब्रोमीन पे माइनस वन चार्ज होगा और इस कार्बन पे माइनस वन चार्ज होगा। नेक्स्ट ब्रोमीन तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, अपनी इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो देगा नहीं। तो ये जो आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ये आर ग्रुप ऑब्वियसली अटैक करेगा, ये वाला आर ग्रुप ऑब्वियसली अटैक करेगा ठीक है। कहाँ पे करेगा अब अटैक वो भी देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है ओके, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो कार्बन ही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो यहाँ से अटैक करेगा इसी पे ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको भी देख लो, फाइनल प्रोडक्ट शुड बी दिस साइक्लोब्यूटाइल रिंग ओके वो एज इट इज। इस पॉइंट में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो इस कार्बन दूसरे यहाँ पे कार्बन को कनेक्ट हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड वीक होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन देन नीचे सी एच थ्री एंड हाइड्रोजन, ये वाले सी एच थ्री और हाइड्रोजन यहाँ से पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है ओके। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो अब यहाँ पे देखो इस पे नेगेटिव चार्ज था, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, अब ये मैग्नीशियम बी आर यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजन का मैकेनिज्म एम जी बी आर ओके। अब फिर से इसको थोड़ा ट्रीट कर देंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट वगैरह होता है एंड इट फॉर्म्स एन अल्कोहल। सो वो कौन सा अल्कोहल है, तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटाइल रिंग कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे ओ एच ग्रुप ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप एंड नेक्स्ट प्लस, ये वाटर के साथ भी आराम से रिएक्शन परफॉर्म होती है ओके। वाटर के साथ क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख दूँ जिनको मालूम नहीं है या नए आए हैं, वाटर मतलब क्या है H एंड OH ओके। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली ये जो एंड है इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये OH के साथ कंबाइन कर लेगा ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लग जाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाती है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया ठीक है, विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट बी। आफ्टर माइल्ड एसिडिफिकेशन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ HBr गिव्स सी, तो सबसे पहले इसको एसिडिफाई करना है, तो एसिडिफाई एकदम सिंपल है और माइल्ड एसिडिफिकेशन है एंड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है। अब ये दो वर्ड्स को समझो, माइल्ड एसिडिफिकेशन मतलब हम ये चाहते हैं कि ओ एच ग्रुप एच प्लस को एक्सेप्ट करे ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ये क्योंकि अच्छे से रीअरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि हम जैसे ही स्ट्रक्चर को देखते हैं ये फोर मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती नहीं है ठीक है, तो ये आइदर ब्रेक हो जाएगी नहीं तो एक्सपांड हो जाएगी, तो उसके लिए लगेगा टाइम, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो उसको टाइम लगेगा, हम फास्ट रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होते, उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं, तो सबसे पहले एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन इन द सेंस सॉल्यूशन में H+ आयन डाल देंगे ठीक है, ये H+ आयन एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है देखो, ये कंपाउंड एज इट इज, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं और थोड़ा सा इसको क्लियर लिखूँ, तो ये जो नया हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे एंड नाउ दिस H2O ग्रुप बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस को मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, आगे क्या होगा, ऑब्वियसली गुड लिविंग ग्रुप है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन ले लेगा ओके, और ये वाटर बन के बाहर चला जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट शुड बी फर्स्ट वन वाटर H2O प्लस ये वाला कंपाउंड सी देन CH3 नीचे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इस साइक्लोब्यूटाइल रिंग को एक चांस मिल गया रीअरेंजमेंट करने का ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता है, कैसे होगा रीअरेंजमेंट उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि फोर मेंबर रिंग है जाके ज़्यादा स्टेबल होती नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा
इस कार्बन पे, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग देता हूँ, ये कार्बन नंबर वन होगा, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन थ्री, ये कार्बन फोर, ये कार्बन फाइव। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है उसको देखो। तो मैं इसका रीअरेंजमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है अभी। तो कार्बन नंबर वन, ओके, ये पहला कार्बन विच इज कनेक्टेड टू, देखो ये कार्बन वन एंड टू कनेक्टेड है, तो ये कार्बन सेकेंड को कनेक्टेड है, देन टू एंड थ्री कनेक्टेड है, तो ये हो गया टू एंड ये थ्री कार्बन, देन फोर्थ कार्बन भी कनेक्टेड है, ठीक है, एंड देन फिफ्थ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू वन अप वन। ओके, ये वन टू थ्री फोर एंड दिस वन फिफ्थ, फिफ्थ वन फर्स्ट को कनेक्टेड है, पहले ये सेकेंड को कनेक्टेड था, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, इट मेक्स अ फाइव मेंबर रिंग, राइट। अब लॉस किसको हो गया, देखो यहाँ पे मैं पहले ये बाकी लिख दूँ, ये सी एच थ्री ग्रुप, सी एच थ्री ग्रुप पॉजिटिव चार्ज इस पे था, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, ये फाइव ने बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, लॉस हो गया कार्बन नंबर टू का, तो कार्बन नंबर टू पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कार्बन नंबर टू पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब और एक नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ओके, अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यस, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आराम से रिएक्शन हो रही है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास आ सकता है, उससे होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये टर्चरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, टर्चरी कार्बोकैटायन मतलब फाइव मेंबर रिंग वन, बाकी हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थ्री फोर फाइव, ओके, यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि अब बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये टर्चरी है। अब उसके बाद एच बी आर के साथ रिएक्शन कर दो तो यहाँ पे सिर्फ बी आर कनेक्ट हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे बी आर होगा ओनली। तो यहाँ पे देखो अभी कौन से नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ओके, सो इट्स नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, वन ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा ना बाद में, इसको रेड कलर से लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो वन ब्रोमो वन मिथाइल दिस वन साइक्लोपेंटेन, ओके, तो हमारा आंसर होगा बी।